सर, फरुखाबाद में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई, असला बरामद की हुई, क्या पूरा मसला है, किस तरीके से बरामद की हुई है? देखिए, वर्तमान में चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें शस्त्रों, अवैध शस्त्रों की बरामदी का अभियान भी चल रहा है। शासन की मंशानुरूप और हमारे पुलिस के उच्चाधिकारी उनके निर्देशन में हमारे CO सिटी साहब ने इस मामले का पर्यवेक्षण किया और पुलिस ने सुरागरसी पतारसी करके एक अभियुक्त देवेंद्र यादव और पिंकू पुत्र रामचंद्र निवासी चांदपुर थाना कोतवाली फरुखाबाद को पकड़ा है। इस मामले में थाने पर 307 का मुकदमा भी कायम हुआ है और इसमें जो इनकी निशानदेही पर बरामद हुई है चीज़ें, उसमें एक पिस्टल, 2 अदद तमंचा, 315 बोर व 2 अधिया, क्रमशः 315 बोर व 12 बोर, कुल 2 अदद जिंदा कारतूस, 12 बोर और इनके पास से, जो इनके कब्जे से 1 अदद तमंचा, 315 बोर नाजायज और 4 अदद जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए, जिसके क्रम में आम साइड का मुकदमा भी कायम हुआ है। इस तरह से पुलिस ने ऐसे समय में, चुनाव से ठीक पहले अभियान के अंतर्गत, काफी अच्छी बरामदगी की है। मैं इस टीम की सराहना करता हूँ। कितने समय से ये काम कर रहे हैं? कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र में अभी आपका कुछ रेक्टिफाइड स्प्रिट बरामदगी हुई है, शराब बनाने को लेके ये लोग काम करते थे, क्या पूरा मसला है, कितनी बरामदगी है, कितने आरोपियों की गिरफ्तारी है? देखिए, वर्तमान में पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभियान चलाया गया है। इसके अंतर्गत हमने करीब 18 जरीकैन रेक्टिफाइड स्प्रिट बरामद किया है, जिसमें 1,000 ढक्कन भी बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त एक सेंट्रो कार्ड और 3 अदद मोबाइल फोन, ये हमारी कंप्लीट बरामद हुई है। अभियुक्त दिलसाद, पवन और रामवरण, इनके विरुद्ध कार्यवाही की गई। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई कुल मिलाकर। हाँ, बहुत सही। हम बाद में बात करेंगे, 2 मिनट। जो लोग गिरफ्तार किए गए, क्या इससे पहले भी ये शराब का काम करते थे? इनका इतिहास पता किया जा रहा है। निश्चित रूप से इसमें से कुछ लोग पुराने हैं और काम करते रहे हैं, ये विवेचना में आएगा। गिरफ्तार करने वाली टीम में जयप्रकाश पाल हैं, प्रभारी निरीक्षक हैं, सर्विलांस प्रभारी सुरेश कुमार।